जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से प्रेजेंट। आज ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि भगवान ने, उस ऊपर वाले ने मुझे इस धरती पे एक इंसान के रूप में जब पैदा करके भेजा तो उसके पीछे जो कारण था वो आज पूरा हुआ है दोस्त। सिक्योर लाइफ का डायमंड बनने के लिए आया था मैं, सिक्योर लाइफ का डायमंड बनने के लिए। एक गाना याद आता है मुझको, आप सबने सुना होगा, दिलीप कुमार का, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। ये गाना जब सुनता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग सूट बूट पहन के लगते कैसे होंगे, क्योंकि मेरी तो, सच बताऊं तो, औकात ही नहीं थी कि मैं कभी ये सोच सकूं कि सूट और बूट पहनकर जिंदगी में कहीं घूमने जाऊंगा, किसी से मिलने जाऊंगा या सूट और बूट पहन भी पाऊंगा। शादी में एक सूट सिलवाया था, वो भी पिताजी ने सिलवा के दे दिया तो सिल गया था, अपने पैसों से सिलवाना होता तो वो भी नहीं सिला होता। परिस्थिति मेरी ये थी, 16 साल हिंदुस्तान की वायुसेना की नौकरी कर चुका था, देश के कोने कोने में घूमने के बाद एक दिन अचानक मेरा तबादला दिल्ली हुआ। 2007 अगस्त में दिल्ली पहुंचा। यहां पर आने के बाद, यहां से जब पहले मैं जहां भी रह रहा था वहां पर मुझे अपनी जिंदगी बड़ी सुकून भरी लगती थी, क्योंकि छोटे शहरों में बहुत ज्यादा जरूरतें नहीं होती हैं। जो 7-8 हज़ार रुपए महीने के मुझे मिला करते थे मुझे लगता था इसमें काम चल जाएगा, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आने के बाद मेरी परिस्थिति यह हो गई कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। 8 हज़ार रुपए महीने कमाता हूं, 5 तारीख आने से पहले पहले वो पैसे कहां खत्म हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता था। और ऐसे में एक दिन मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त मेरे घर पे आते हैं, मुझे सिक्योर लाइफ के ऑफिस लेके जाते हैं, वहां पे मुझे सिक्योर लाइफ के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिलता है। प्लान देखा, बात समझ में आई कि 1,750 रुपया एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। मैंने उसी दिन, जिस दिन मैंने प्लान देखा उसी दिन मेरे को मौका मिला हमारे डबल डायमंड मिस्टर अजय सर से मिलने का, उसी दिन मुझे मौका मिला सुनील मान सर से मिलने का, बहुत सारे लोगों से मैं उस दिन मिला जिनकी जिंदगियां बदली थी सिक्योर लाइफ के कारण। लेकिन मेरा मन इस बात को विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि 7,750 रुपए में इतनी ताकत है कि एक इंसान को जमीन से उठा करके आसमान पे रख सकती है। संडे का दिन था, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले मेरा संडे को सिर्फ एक ही काम हुआ करता था कि हर संडे घर में लंच बनाने की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। संडे मेरी वाइफ आराम करती थी, लंच मैं बनाया करता था। उस दिन क्योंकि मैं सिक्योर लाइफ का बिजनेस प्लान देखने के लिए ऑफिस गया हुआ था तो घर लेट से पहुंचा। जैसे ही लेट से पहुंचा घर पे, दरवाजा खोलते ही सामने से गोलियां, कहां थे अब तक। मैंने कहा सुनो, आज मैं एक ऐसा मौका देख करके आया हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख करके आया हूँ जिसके कारण हो सकता है हमारी जिंदगी बदल जाए। तो मैंने अपनी वाइफ को एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम दोनों की एक बड़ी अच्छी आदत है जो हम लोग पिछले लगभग 14 साल से लगातार करते आ रहे हैं कि हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है हम लोगों को, तो हम एक काम करते हैं, एक पन्ना ले लेते थे। ये पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, और किसी भी काम को करने से पहले ये सोचा करते थे कि हमारा फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। सिक्योर लाइफ का बिजनेस देखकर आ गया था, बिजनेस बाइबल मेरे हाथ में एज ए टूल मेरे स्पॉन्सर ने दे दिया था। उसके बाद हमने एक डायरी ली, डायरी की एक पन्ने में लिखना शुरू किया कि हमारा नुकसान क्या होगा अगर हम ये सिक्योर लाइफ का बिजनेस करना शुरू करते हैं। तो पहला नुकसान मैंने उसमें लिखा कि मेरे 8,200 रुपए खत्म। दूसरा नुकसान मुझे समझ में नहीं आया तो लिख ही नहीं पाया। फिर फायदे की बारी आई, फायदे के बारे में सबसे पहला फायदा जो मैंने लिखा कि अगर मैं ये बिजनेस कर लेता हूं तो मेरा बच्चा जो 50-100-150 रुपए के कपड़े पहनता है, वो मेरी इकलौती बेटी, पीछे दिखाई दे रही ना आपको, तो मेरी इकलौती बेटी अंजलि जो 100-150 रुपए के कपड़े पहनती है, उसे इस बिजनेस के चल जाने का कारण, अगर 4-5 हज़ार रुपए महीने के भी मैं फालतू कमा लेता हूं तो मैं उसे कैट मॉस, जिनी जॉनी, लिलीपुट, इस तरह के जो बच्चों के कपड़ों के ब्रांड्स है ना, ये पहना सकता हूं। मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मेरे पास 4-5 हज़ार, जो फायदे गिनवा रहा था मैं अपनी वाइफ को, मेरी वाइफ मुझे और मैं अपनी वाइफ को,
कि अगर ये पैसे मेरे पास आने लग जाते हैं तो मैं एक कमरे के मकान से दो कमरे के मकान में शिफ्ट कर सकता हूं, अगर ये पैसे मेरे पास आने लग जाते हैं तो जिंदगी बेहतर हो सकती है, अगर ये पैसे मेरे पास आने लग जाते हैं तो 15-20 तारीख के बाद मुझे किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये पैसे मेरे पास आ जाते हैं तो शायद जो मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह एजुकेशन दूं, अच्छी तरह उसकी परवरिश करूं, उसे वो जिंदगी दूं जो जिंदगी मैं शायद या हम और आप सभी बचपन में पाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो हमको और आपको मिल नहीं पाई। शादी के 12 साल गुजर गए थे जब मैंने ये बिजनेस प्लान देखा था। एक फायदा और लिखा, 12 साल से मैं अपनी वाइफ को कभी भी सोने का कोई सामान गिफ्ट नहीं कर पाया था, हर साल करवा चौथ पे लड़ाई होती थी हमारी। उसमें लिखा मैंने, अगर मेरा ये बिजनेस चल जाता है तो इस साल अगर जो करवा चौथ आएगा उस पे अपनी वाइफ को 2 तोले का सोने का चेन गिफ्ट कर सकता हूं। अगर मेरा बिजनेस चल जाएगा तो शादी के दहेज में मिली जिस मोटरसाइकिल को पिछले 12 साल से चला रहा हूं उस मोटरसाइकिल को बदल के अपनी परिवार के साथ मैं कार में घूम सकता हूं।